ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू द सेकेंड चैप्टर रिवीजन। पहली बात तो आपको ये तो करना ही है, जैसे डू यू रिमेम्बर रीड द क्लूज एंड आंसर। तो आपको मैं ऐसे दे सकती हूँ जिससे आपको पूरा करेक्ट स्पेलिंग्स लिखना है। आई कैन नॉट सी आपको ये रॉन्ग स्पेलिंग ऐसे जम्बल वर्ड्स में दिया है, तो ब्लाइंड, आई कैन नॉट स्पीक, डम्प, आई कैन नॉट हियर, डेफ, आई हेल्प यू इफ यू हैव पुअर साइट, ऑप्टिशियंस। ठीक है, सो जिनकी पुअर साइट रहती है, चश्मे लगते हैं ना, तो वो कौन नंबर्स कौन डिसाइड करते हैं? ऑप्टिशियंस। गॉड हैज डैश विथ वंडरफुल बॉडी, सो गॉड हैज गिफ्टेड आस विथ अ वंडरफुल बॉडी, ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सो ऐसे आ सकता है, ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी परफॉर्म डैश स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे है, पीपल हु आर अनेबल टू यूज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर कॉल्ड डैश, है ना। तो आप फिजिकली चैलेंज भी लिख सकते हैं या फिर आप डिफरेंटली एबल भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स राइट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पीपल हु कैनॉट सी प्रॉपरली एंड वेयर स्पेक्टिकल्स दे आर मेड बाय डैश। ठीक है, तो पीपल जो देख नहीं सकते हैं और स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, सॉरी, यहाँ पे है ना ऑप्टिशंस नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स आएगा, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं उनको, और जो बना स्पेक्टिकल्स लगाते हैं और जो पहनते हैं उनको ऑप्टिशंस बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्टिशंस क्या होते हैं, मैंने स्टार लगाए ये तो आपको करना ही है। समवन हु एग्जामिन्स पीपल्स आई, जो एग्जामिन करते हैं, देखते हैं लोगों के आई को, और ग्लासेस को सेल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेस देते हैं जिनको विजन प्रॉब्लम होती है, जिनको देखने में प्रॉब्लम होता है। नाउ आपको ये वाला देखना है, डैश पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो रीड एंड राइट को किसकी ज़्यादा, मतलब स्पेशल सिस्टम किसको ज़रूरत चाहिए रहता है? ब्लाइंड पीपल को। और वो कौन सी लैंग्वेज करते हैं यूज? ब्रेल। ठीक है, BRAILLE, ब्रेल। ठीक है, और ये कैसी होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट विथ डैश रेस डॉट्स। People who cannot see can feel the raised letters on the papers with their fingers. Do you know, maybe एक बहुत important है, second Thursday of October is celebrated as World Sight Day. Second Thursday October का हमेशा एक World Sight Day celebrate किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, our ear help us hear different types of sound. हमारे जो कान होते हैं हमें क्या हेल्प करते हैं? दैट वी कैन हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। देन कम टू दिस, सम पीपल, दे को काट के आप लिखिए सम पीपल। ठीक है, डैश टू हियर प्रॉपरली, सो सम पीपल यूज डैश टू हियर प्रॉपरली, सम पीपल यूज हियरिंग एड्स टू हियर प्रॉपरली, सम पीपल आर डैश टू स्पीक, जो नहीं बोल पाते, अनेबल टू स्पीक, दे आर कॉल्ड डम्प। डेफ और डम्प पीपल कम्युनिकेट विद स्पेशल साइन, स्पेशल डैश, तो साइन लैंग्वेज, है ना। ये लोग, जो लोग नहीं बोल पाते, दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, है ना। उसके बाद, और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड स्पेशल एक्सप्रेशन। बाकी ये तो आपको पूरा ही करना है, केयर ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल, इसमें से तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डिग्निटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिग्निटी द क्वालिटी ऑफ बींग वर्दी एंड रिस्पेक्ट, एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। उसके बाद, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल, ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा ही करना है क्योंकि ये पॉइंट्स में है। ठीक है, मैं इस पर स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपको पूरा करना है।
ये देखिए, टाइम टू आंसर. वी शुड मेक फन ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल. रॉन्ग. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ फिजिकली चैलेंज पीपल. पीपल हु कैन नॉट पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डेफ. सो दिस इज राइट. ब्रेल इज अ स्पेशल सिस्टम दैट हेल्प्स इन हियरिंग. ब्रेल. नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट हेल्प्स इन reading and writing. Braille helps blind people to read and write. True. People who cannot speak are called dumb. Yes, true. ठीक है, और आपको ये तो पूरा ही करना है. ये भी आपको read करना है because similar ही है सब, ज़्यादा change नहीं है. और now come to this page. मैं एक बार read कर रही हूँ, मैंने करा लिया है पर अब मैं एक बार read कर रही हूँ. Our dash help us perform various activities. Our body perform help us perform various activity. We should dash old people. We should respect old people. We should not make dash of physically challenged people. We should not make fun of physically challenged people. Our elders become dash with age. Our elders become slow with age. Encircle the odd one out. Blind. In मतलब आपको circle करना है जो odd है. ठीक है, blind, deaf, ब्रेल, डम्प. तो ब्रेल क्या है? लैंग्वेज है. बाकी सब क्या है? एक फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल लोग हैं. ईयर, आईज, नोज, साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ब्लाइंड, डेफ, डम्प, डॉक्टर, डॉक्टर. ठीक है, नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग. आई साइट, स्पेक्टिकल्स, ईयर, हेयरिंग एड, सिक, मेडिसिंस, ब्लाइंड, ब्रेल. क्वेश्चन आंसर्स आपको पूरे करने हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर 2 रिविजन. इसको मैं आपको लिख के भी दे दूंगी आज आपको, आज या कल, क्योंकि कल मैं आपसे मिलूंगी भी शायद, पता नहीं, ये मेरे को एक बार टाइम टेबल चेक करना पड़ेगा. पर आपको आज या कल में पूरा रिटन वर्क मिल जाएगा, पेजेस आपको मिल जाएंगे मेरी राइटिंग के. ओके, बाय बाय चिल्ड्रन. Have a nice day and all the best for your exams.